सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से कैसे बात करते हैं, इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मेरी तरह दोस्तों, आपने भी इस तरीके से कैटेगरी, नोटिफिकेशन, अकाउंट सेक्शन में जाकर जो है दोस्तों हेल्प करके आपने अगर दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व की है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सहायता केंद्र में गए होंगे और यहाँ से आप कॉल करते होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप कस्टमर को कैसे कॉल करोगे, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ्लिपकार्ट से बाहर आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर, यहाँ पर कॉल NUMBER नंबर, ठीक है, ये सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों फ्लिपकार्ट के कॉल वाल सर्विस सेंटर के कस्टमर के नंबर मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएंगे, ट्रू कॉलर डाउनलोड होगी, दो आएंगे, नहीं तो एक ही आएगा फ़ोन वाला, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप दोस्तों कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल करके आपके जो भी प्रॉब्लम है उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।